हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से एल्जर डन का कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पे ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एक में द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का समरी डिस्कस कर रखे हैं और दूसरे वीडियो में ग्विन डॉलन फेयरफैक्स का कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर रखे हैं। ये थर्ड वीडियो है जो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से रिलेटेड है। और ये जो नोट्स हैं, हम नॉर्मली 5 पेज का रेडी किए हुए हैं, तो अपने मार्क्स अकॉर्डिंग नोट्स को आप छोटा बड़ा कर लेना। और नोट्स का लैंग्वेज भी काफी इजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग एल्जरनन का कैरेक्टर स्केच। एल्जरनन इज ए मेजर कैरेक्टर इन द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। इट मीन्स ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया जो प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसका जो है एल्जरनन एक मेजर कैरेक्टर रहता है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहता है। ही इज प्ले सेकेंड हीरो, ये जो है प्ले का दूसरा हीरो रहता है। एल्जरनन बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली। एल्जरनन जो है एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है एंड लीड्स ए लग्जरियस लाइफ, और काफी लग्जरियस मीन्स आरामदायक जीवन जी रहा होता है। ही इज विटी, वह मजाकिया है एंड चार्मिंग, और काफी ज्यादा चार्मिंग इट मीन्स आकर्षक है, बट ए बिट ऑफ ए बैड बॉय, लेकिन थोड़ा बैड बॉय भी रहता है। ही अवॉइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट मीन्स दायित्वों को अवॉइड करता है, इट मीन्स सामाजिक दायित्वों से बचने की कोशिश करता है बाय प्रिटेंडिंग टू हैव ए क्रोनिकली इल फ्रेंड, ये दिखावा करके कि उसका एक मित्र बहुत बीमार है, दैट ही फ्रीक्वेंटली नीड्स टू टेंड टू, और जिसकी देखभाल के करने के लिए उसे अक्सर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ का दिखावा करके कि मेरा दोस्त बीमार है, हमको उससे मिलने जाना है, उसकी देखभाल के लिए जाना है ना, ये एल्जरनन जो है सामाजिक दायित्वों को अवॉइड करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है अपने दोस्त के बहाने। ही इज़ द नेफ्यू ऑफ लेडी ब्रैकनेल। एल्जरनन जो है लेडी ब्रैकनेल का नेफ्यू रहता है, कजन ऑफ ग्वेन डॉलन, ग्वेन डॉलन का कजन रहता है, जिसका कि हम बताएं कैरेक्टर स्केच पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है ग्वेन डॉलन के भी, एंड फ्रेंड ऑफ जैक वर्दिंग, और जैक वर्दिंग का फ्रेंड रहता है। जैक वर्दिंग जो है इस प्ले का मेन हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। हिज फुल नेम इज एल्जरनन मोनक्रिफ, उसका जो पूरा नाम रहता है एल्जरनन मोनक्रिफ रहता है, बट थ्रू आउट द प्ले, लेकिन पूरे प्ले के दौरान ही इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज निकनेम एलजी, वो पूरे प्ले के दौरान अपने निकनेम एलजी के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर वाइल्ड एंड एल्जरनन शेयर मैनी सिमिलैरिटीज, इट मीन्स इस प्ले के जो ऑथर हैं ऑस्कर वाइल्ड और एल्जरनन में ढेर सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, इट मीन्स समानता देखने को मिलती है। देयर ब्लंट ह्यूमर, उनका ब्लंट ह्यूमर इट मीन्स जो तीखा ह्यूमर यूज करते हैं, हास्य यूज करते हैं, एंड चार्म इट मीन्स आकर्षण, या हम लोग बोल सकते हैं मोहने की क्षमता जो है आर अलाइक, वो एक जैसी है। एल्जरनन इज चीयरफुल एंड फ्रिवोलस। एल्जरनन जो रहता है चीयरफुल इट मीन्स हसमुख रहता है, और फ्रिवोलस इट मीन्स छोड़ा थोड़ा मजाकिया टाइप का रहता है बाय नेचर प्रकृति से। ही इज लाइवली, लाइवली इट मीन्स हो जाता है जो रोचक हो, एंड प्लेजर सीकर, और जो मतलब पूरा खुशी के तलाश में हो, आनंद मजे के करने के मूड में हमेशा हो, तो वैसा एल्जरनन को डिस्क्राइब किया गया है प्ले में। द एटमोस्फेयर ऑफ नॉनसेंस इन द प्ले, प्ले में नॉनसेंस वाला एटमोस्फेयर इट मीन्स निरर्थक बकवास वाला जो वातावरण होता है इज जनरेटेड बाय एल्जरनन्स मैनी एब्सर्ड अटरेंस, वो जनरेट होता है एल्जरनन के ढेर सारे बेतुके अटरेंसेस इट मीन्स बेतुके बातों से। एट वन पॉइंट एक समय में ही सेज, वह कहता है आई हेट पीपल हु आर नॉट सीरियस अबाउट मिल्स, इट इज शो शैलो ऑफ देम, अनदर नॉनसेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा जो नॉनसेंशियल इट मीन्स निरर्थक बकवास सा स्टेटमेंट है एल्जरनन मेक्स, इस एल्जरनन जो कि यूज करता है इज द फॉलोइंग, वो निम्नलिखित है, इट इज ऑफुली हार्ड वर्क डूइंग नथिंग। ठीक है, तो ये दो नॉनसेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है एल्जरनन का। लाइक जैक वर्दिंग, जैक वर्दिंग के तरह इट मीन्स प्ले के हीरो की तरह एल्जरनन ऑल्सो लीड्स ए डबल लाइफ, एल्जरनन जो है वो भी डबल लाइफ जी रहा होता है, दोहरी जिंदगी जी रहा होता है। इन लंदन, लंदन में ही इज अंडर द कॉन्स्टेंट सुपरविजन ऑफ हिज आंट लेडी ब्रैकनेल, इट मीन्स जब एल्जरनन लंदन में रहता है ना, तो उसकी जो आंट है लेडी ब्रैकनेल, उसका पूरा कॉन्स्टेंट इट मीन्स लगातार ध्यान रहता है एल्जरनन पे, उसके अंदर रहता है एल्जरनन, एंड देयर फोर, और इसी कारण हैज टू बिहेव प्रॉपरली एल्जरनन को, प्रॉपरली इट मीन्स बिल्कुल उचित तरीके से बिहेव करना होता है, एंड डाइन विद सच रिस्पेक्टेबल पीपल, और साथ ही साथ उसका उठना बैठना रिस्पेक्टेबल इट मीन्स कुछ बड़े लोगों के बीच होता है। He has invented an invalid friend, और इस वजह से वो क्या करता है, एक invalid friend, it means weak friend, invent करता है, named Bunbury, जिसका कि नाम Bunbury रखता है, who lives in country, जो कि country में रहता है। Whenever he wishes to disappear, जब भी एल्जरनन को disappear, it means गायब होना होता है, for a period, कुछ समय के लिए, in pursuit of pleasure, pleasure के खोज में, pleasure की इच्छा में, ही प्रिटेंड्स दैट, तो वह दिखावा करता है कि Bunbury इज क्वाइट इल, कि उसका फ्रेंड जो है Bunbury वो बीमार है, एंड ही मस्ट गो टू हिम, और
उसके पास उसे जाना चाहिए। दस इस प्रकार इट कन्वीनियंटली ड्राउज हिम अवे फ्रॉम टायरसम और डिस्टेस्टफुल सोशल ओब्लिगेशन। यह जो है उसके सुविधा अनुसार, इट मीन्स अल्गरनेन के सुविधा अनुसार उसको दूर रखता है टायरसम से, टायरसम इट मीन्स थकान से, और डिस्टेस्टफुल सोशल ओब्लिगेशन इट मीन्स अरुचिकर सामाजिक दायित्वों से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम एल्जरनेन इंक्लूड। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोट जो कि एल्जरनेन यूज करता है इस प्ले में वो है, डाइवोर्सेस आर मेड इन हेवन। Early on the play के starting में ही Elzernan expresses his negative view of marriage। Elzernan जो अपना view, it means विचार प्रस्तुत करता है कि marriage को लेके, शादी को लेके वो क्या सोचता है। He inverts the common phrase, वो एक common phrase, it means सामान्य जो phrase होता है ना उसको inverts, पलट देता है, उलट देता है, जो कि है match made in heaven, की जोड़ियां जो है हेवन में बनती है, स्वर्ग में बनती है, ऊपर से जोड़ियां बनती है, तो उसको पलट के क्या करता है, divorces are made in heaven। Into the opposite sentiment, मतलब इसको क्या किया, पलट दिया अपोजिट, बिल्कुल उल्टे sentiments में, उल्टी भावना में। This is an example of how both Elzernan and Oscar Wilde, ये इस चीज का example है कि कैसे दोनों Elzernan और Oscar Wilde expresses his serious belief, अपने serious, it means अपने गहरी भावनाओं को express करते हैं through humorous statement, हास्यात्मक statement के जरिए। नेक्स्ट जो कोटेशन यूज किया जाता है, आई मे मेंशन दैट आई हैव ऑलवेज सस्पेक्टेड यू टू बीइंग ए कन्फर्म्ड एंड सीक्रेट बर्नबरियस। तो ये स्टेटमेंट जो Elzernan है वो जैक वर्डिंग के लिए यूज करता है जब उसको संदेह होता है कि जैक वर्डिंग अपना नाम बदल लिया है, और ये चीज आपको तब समझ आएगा जब आप ऑलरेडी समरी देख चुके होंगे तो इसका कहानी आप लोग को पता होगा। Elzernan references his habit of using his fictional friend। Elzernan जो है अपने हैबिट के बारे में यहाँ पे बात करता है कि कैसे वो एक फिक्शनल फ्रेंड बनबड़ी, इट मीन्स काल्पनिक दोस्त बनबड़ी का यूज करता है एज एन एक्सक्यूज, एक बहाने के रूप में, टू अवॉइड अनवांटेड सोशल एंगेजमेंट। अवॉइड इट मीन्स हो जाता है बचने के लिए अवांछनीय सामाजिक मेलजोल से, अपने आप को सोशल एंगेजमेंट से दूर रखने के लिए। कैसे जो है Elzernan यूज करता है एक काल्पनिक फ्रेंड बर्नबड़ी का। इन दिस प्ले, इस नाटक में ए बर्नबड़ियस इज यूज एज ए टर्म। बर्नबड़ियस जो एक टर्म के रूप में यूज किया जाता है टू रिफर टू समवन, वैसे इंसान को रिफर करने के लिए, वैसे इंसान के बारे में बात करने के लिए, हु अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्वों से बचने की कोशिश करता है, एज Elzernan डज, जैसे कि Elzernan खुद ही करता था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट इसके द्वारा यूज किया जाता है, आई रियली डोंट सी एनीथिंग रोमांटिक इन प्रपोजिंग। इट इज वेरी रोमांटिक टू बी इन लव, बट देयर इज नथिंग रोमांटिक अबाउट ए डिफिनेट प्रपोजल। Elzernan रिवील्स हिमसेल्फ टू हैव ए निगेटिव व्यू ऑफ सोसाइटल एक्सेप्टेशन इंक्लूडिंग मैरिज। Elzernan जो है यहाँ पे रिवील करता है, प्रकट करता है खुद का निगेटिव, इट मीन्स नकारात्मक विचार सोसाइटल एक्सेप्टेशन को लेकर, सामाजिक अपेक्षाओं को लेकर, जिसमें कि शादी भी शामिल है, मतलब शादी को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट रखता है Elzernan स्टार्टिंग में प्ले के। ही डज हाउएवर बिकम एंगेज टू शेस्ली कार्ड्यू लेटर इन द प्ले। हालांकि नाटक में बाद में उसकी सगाई शेस्ली कार्ड्यू से हो जाती है। वंस इन द प्ले, प्ले में एक बार, व्हेन Elzernan लर्न्स दैट, जब Elzernan को पता चलता है कि शेस्ली इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द नेम अर्नेस्ट, कि शेस्ली जो है वो अर्नेस्ट नाम में इंटरेस्टेड है, ही चेंज हिज नेम, वो अपना नाम बदलता है एंड अराइव्स एट जैक्स स्टेट, और जैक्स के स्टेट इट मीन्स जैक के ठिकाने पे पहुंच जाता है, जो कि इस प्ले का हीरो है जैक, उसके ठिकाने पे पहुंच जाता है टू मीट शेस्ली, शेस्ली से मिलने के लिए। Elzernan प्रिटेंडिंग टू बी जैक्स यंगर ब्रदर, Elzernan यहाँ पे प्रिटेंड करता है कि वह जैक का छोटा भाई अर्नेस्ट है, हुम शेस्ली नेवर मेट, जिसे कि शेस्ली कभी मिली नहीं थी। He fall in love with Shashley। अब Elzernan को यहाँ पे Shashley से प्यार हो जाता है and ask her to marry him। और ये जो Elzernan है प्रपोज भी कर देता है Shashley को कि तुम मेरे से शादी कर लो, to which she agrees, और इस चीज के लिए जो है Shashley भी agree हो जाती है, मान जाती है। Jack returns home, Jack जो है वो घर वापस आता है and finds Elzernan, और Elzernan को पाता है pretending to be his brother Ernest, कि ये तो मेरा छोटा भाई अर्नेस्ट बने हुए है। He attempts to send Elzernan away immediately, वो कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी Elzernan को वहां से भेज सके, बट Elzernan continues speaking to Shashley, लेकिन Elzernan जो है यहाँ पे अपनी बात कंटिन्यू रखता है Shashley से, लाइक Gwendolyn, Gwendolyn की तरह ही। Shashley makes it clear, Shashley जो है ये क्लियर कर देती है that कि she cannot love or marry a man, कि वो वैसे आदमी से प्यार या फिर शादी नहीं कर सकती है, by any other name, किसी भी
नाम के आदमी से एक्सेप्ट अर्नेस्ट, मतलब अर्नेस्ट छोड़ के अगर कुछ भी नाम हुआ लड़की का तो उस लड़के से वो शादी नहीं करेगी। शादी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस लड़के का नाम अर्नेस्ट होना चाहिए। ये चीज आपको समरी से पता चल जाएगा कि एंड में जो है जैक और एल्जरनेन दोनों अपना नाम बदल के अर्नेस्ट कर लेते हैं और सेसली और ग्वेंडोलिन तभी शादी करती है इन दोनों से। इसलिए इस प्ले का जो टाइटल भी है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। एल्जरनेन एग्री टू चेंज हिज नेम। अब एल्जरनेन क्या होता है कि मान जाता है अपना नाम बदलने के लिए एंड इवेंचुअली और अंततः एल्जरनेन एंड सेसली गेट मैरिड। एल्जरनेन और सेसली जो है शादी कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मेन चीजें हैं एल्जरनेन के कैरेक्टर के बारे में वो हम लिख रखे हैं पॉइंट वाइज चार पांच चीजें। एल्जरनेन इज द सेकेंडरी हीरो ऑफ द प्ले। प्ले का सेकेंडरी हीरो रहता है। ही इज चार्मिंग आइडल डेकोरेटिव बैचलर। वो चार्मिंग इट मीन्स आकर्षक, आइडल इट मीन्स निठल्ला बेकार सा, और डेकोरेटिव बैचलर इट मीन्स जो खुद को सजाने पे होता है सुंदर दिखाने पे ज्यादा ध्यान दे तो वैसा बैचलर इट मीन्स कुवारा रहता है। ही यूजेस पैराडॉक्सेस। वो पैराडॉक्स का यूज करता है, विरोधाभास का यूज करता है। स्ट्रिकिंग एपिग्राम्स। स्ट्रिकिंग इट मीन्स हो जाता है जो किसी को उकसा दे, वैसे लाइन्स का, वैसे स्टेटमेंट का, वैसे शुक्ति का यूज करता है। ही ऑल्सो लीड्स ए डबल लाइफ प्ले में। ये भी जो है डबल लाइफ जीता है, इट मीन्स दोहरी जिंदगी जीता है। कैसे एक बार अपने फ्रेंड से झूठ बोल के मिलने जाता है, झूठे फ्रेंड से, और फिर बाद में अर्नेस्ट बन जाता है नाम चेंज करके। ही इज ग्लटन्स बाय नेचर, और नेचर से ये ग्लटन्स इट मीन्स लोभी होता है थोड़ा। ही इज नो मोर कन्विक्शन एट ऑल, और इसमें कोई अब दृढ़ संकल्प नहीं है। अब यहाँ पे नोट्स खत्म हो जाएगा, ये आखिरी स्टांजा बचा हुआ है। दस इस प्रकार एल्जरनेन इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर ऑफ द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है एल्जरनेन वो जो है एक मेजर इट मीन्स प्रमुख कैरेक्टर है प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का थ्रू एल्जरनेन। एल्जरनेन के द्वारा ऑस्कर वाइल्ड मॉक द मॉरल हिपोक्रेसी। ऑस्कर वाइल्ड जो है मजाक बनाते हैं मॉरल हिपोक्रेसी का, इट मीन्स नैतिक पाखंड का, ऑफ द वेल्दी मेंबर्स ऑफ लंदन हाई सोसाइटी की। लंदन के जो हाई सोसाइटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उच्च समाज के वेल्दी मेंबर्स इट मीन्स धनवान लोग है ना, उनके मॉरल हिपोक्रेसी का मजाक बनाते हैं। एंड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी इट मीन्स जो अभिजात वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है ना, उसका भी मजाक बनाते हैं एल्जरनेन के कैरेक्टर के जरिए यूजिंग सटायर, सटायर का यूज करते हुए, वेंग का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एल्जरनेन के कैरेक्टर के जरिए ना वेंग किए हुए हैं लंदन के हाई सोसाइटी के मेंबर्स पे ऑस्कर वाइल्ड। तो नोट्स वाला सेक्शन जो है यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।